हेलो एवरीवन, आज आम पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। टॉपिक फर्स्ट कौन अच्छी? इंटर आटॉमिक फोर्स। तो इंटर आटॉमिक फोर्स क्या कहा ना, आटम आउ आटम भितरे जो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो आट्राक्शन रही, तो ताकु आम कहे इंटर आटॉमिक फोर्स। ठीक अच्छे, तो आम जाने कौन, आटम गोटे न्यूट्रल बॉडी। तो जेहेतु न्यूट्रल बॉडी, आउ गोटे आटम को सी के आट्राक्ट कर ना, जेतेबेले 10^-10 मीटर रु डिस्टेंस कम रहिबो, सेतेबेले गोटे आटम आउ गोटे आटम को अट्रैक्ट करिबो। नाउ क्वेश्चन होची जे होची गोटे आटम तो एमती सपोज तार न्यूक्लियस एठी रहिला आ तार इलेक्ट्रॉन गुडा को ऑर्बिट रे एमती बुलुचंती। ठीक, तो आउ गोटे आटम भी न्यूट्रल आटम, तार न्यूक्लियस एठी रहिला, ता चारिपटे एमती इलेक्ट्रॉन गुडा को ऑर्बिट रे बुलुचंती। तो माने ये तो न्यूट्रल बॉडी, ये भी तो न्यूट्रल बॉडी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से केमती अट्रैक्ट करिवे ना, जते बेले 10^-10 मीटर रु डिस्टेंस कम हे जाउची ए मानको भितरे, ए माने क्लोज हे 10^-10 मीटर रु कम हे जिवे, सेते बेले कोन हबो ना, ए जो पॉजिटिव चार्ज अछि सेंटर रे आ नेगेटिव चार्ज अछि, ए माने गुटे क्लाउड फॉर्मेशन करिवे, पॉजिटिव चार्ज रो क्लाउड एंड नेगेटिव चार्ज रो क्लाउड। केतरा आटम मिसिकी, सपोज मु दीटा एग्जांपल नउ छी जे दीटा आटम एटि अछन्थि, तो तांकर रिजल्टेंट क्लाउड कोन हबो, एठी पॉजिटिव चार्ज दीटा बनिबो और नेगेटिव चार्ज दीटा बनिबो, आ से माने होची अट्रैक्शन करिवे केते बेले ना, ए डिस्टेंस 10^-10 मीटर रु कम हेले डिस्टेंस से माने अट्रैक्ट करिवे। नेक्स्ट होची जते बेले डिस्टेंस 10^-10 मीटर रु कमिला 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 गोटे पर्टिकुलर डिस्टेंस रे, एक्स डिस्टेंस रे, से मानको भितरे देखा हाई छी एक्सपेरिमेंट करिकि जे से फोर्स टा अट्रैक्शन फोर्स टा मैक्सिमम रहुची। ठीक, ए डिस्टेंस रे अट्रैक्शन फोर्स टा मैक्सिमम रहुची। ओके, तो याकु आमे ए पॉइंट परे आउ जदी डिस्टेंस कमे कमे नबा, से जो अट्रैक्शन फोर्स टा रिपल्सिव फोर्स रे चेंज हे जीवो, आउ कमी 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 गोटे पॉइंट रे, लेट से एटा तो तमरो एक्स डिस्टेंस हे गला, एटा मु फोर्स वर्सेस आर रो ग्राफ ड्र करची, तबे एई गोटे डिस्टेंस रे एटा मन कर आर नॉट हे गला, तो एठी कोन होची ना फोर्स जीरो ही जाउची। तो एक्स को कुआ होची, एक्स डिस्टेंस को कुआ होची क्रिटिकल डिस्टेंस, क्रिटिकल डिस्टेंस, आउ आर नॉट को कुआ होची कौन, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस और नॉर्मल डिस्टेंस। एठी कौन होची फोर्स जीरो ही जाउची, तापरे कौन हबो आर रु जदि मु होची डिस्टेंस बढ़ेबी ताहले कौन, सॉरी डिस्टेंस होची मु आउ कमौची, ताहले कौन होची ना से जो अट्रैक्टिव फोर्स होची सी कौन हे जीवो रिपल्सिव फोर्स रे चेंज हे जीवो। एड़ देखो एउटु पॉजिटिव फोर्स हबा स्टार्ट हे जाई छी, इट इज नेगेटिव, जे पर्यंत थिला नेगेटिव साइन इंडिकेट करूची अट्रैक्शन, आउ पॉजिटिव साइन इंडिकेट करूची रिपल्सन, तो एठु जतले फोर्स डिस्टेंस कमी कमी जाउची सेतेबेले ये कौन होची अट्रैक्टिव फोर्स रे, अट्रैक्टिव फोर्स टा रिपल्सिव फोर्स रे चेंज हे जाउची। क्लियर, एबे वर्तमान तार पोटेंशियल एनर्जी डिस्कशन करिया, पोटेंशियल एनर्जी केमती चेंज होची। सो पोटेंशियल एनर्जी रिलेटेड विथ एटॉमिक इंटर एटॉमिक फोर्स लाइक बाय दिस फॉर्मूला, बाय दिस रिलेशन, दैट इज एफ इक्वल टू माइनस डी यू बाय डी आर, एंड यू सी दैट हियर द ग्राफ इज डिक्रीजिंग, व्हेन आर इज डिक्रीजिंग द पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड बिकम मिनिमम एट दिस पॉइंट। तो ए पॉइंट को हमें कौन कहूँ मिनिमम पॉइंट और इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम कहीं ना पोटेंशियल एनर्जी जिते बड़े मिनिमम है जो फोर्स से मोस्ट स्टेबिलाइज और सिस्टम से मोस्ट स्टेबिलाइज रहिबो, तो से पॉइंट को आम इक्विलिब्रियम कहूँ, तापर जिते बड़े हमें डिस्टेंस कमाऊे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी 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 एटी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो, तो मिनिमम पॉइंट को आम इक्विलिब्रियम कहे, ये जिन नोट करार अच्छे से डिस्टेंसटा के आर नॉट डिस्टेंस हिं पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हम। ठीक, तो ये जो पॉइंट रे कौन है, तो ये मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू रोचे जहाँ फल कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होची, आउ से पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट को आम मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी को आम कौन कहे ना इक्विलिब्रियम पोजिशन बोली कहे। तो ये देखा हूँ इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटर आटॉमिक फोर्स आम देखले, एबे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स देखिबा। तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स रे डिस्टेंस जेते बेले एटा भी सही कोन ना इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज जोगु
आट्राक्शन होउछि आउ सेटा को कहा होउछि जो आट्राक्शन फोर्स लागुछि ताको कहा होउछि इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स केते बेले एक्टिव रहइबो, एक्टिव हबो ना 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर जदि डिस्टेंस कम होउछि ताहले इंटरमोलिकुलर फोर्स एक्टिव रहइबो। तो एठी होउछि फोर्स कोन होउछि रेडियस रो 7th पावर हिसाब रे इनवर्सली डिक्रीज डिक्रीज करुछि और इंक्रीज करइबो। ठीक अछि, जदि रेडियस r टू द पावर 7 इनवर्सली डिक्रीज करुछि ताहले फोर्स होउछि इंक्रीज करइबो आर टू दि पावर 7 हिसाब रे। ठीक, तो एटा मु लिखि दै छी। आउ रिपल्सन फोर्स सेटी जेमति हो छी इंटर एटॉमिक फोर्स रे देखतिले गुटे पर्टिकुलर डिस्टेंस पर से अट्रैक्टिव फोर्स चेंज होतला रिपल्सिव फोर्स को ताको आमे कोन कहतिले एक्स बोली जाको हो छी आमे कहतिले कोन ना आमे कहतिले जे हो छी क्रिटिकल डिस्टेंस। सेई बेला एठी हो छी क्रिटिकल डिस्टेंस पर कोन हबो ना रिपल्सिव रिपल्सिव हेजबो जो अट्रैक्टिव फोर्स टा रिपल्सिव हेजबो। आ सेते बेले केमती फेरी करिवो ना r टू द पावर 9 हिसाब रे इनवर्सली r टू द पावर 9 हिसाब रे ये हबो फेरी करिवो। तो मु नेट फोर्स लिखि पारिबि a डिवाइडेड बाय r टू द पावर 7 प्लस b डिवाइडेड बाय r टू द पावर a आउ b होचि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जोटा रो वैल्यू की मटेरियल ऊपर डिपेंड करूचि। एटा होचि नेट फोर्स इन केस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स। ओके, नेक्स्ट फोर्स स्लाइड को जिबा तापर डिस्कशन करिया पोटेंशियल एनर्जी विषय। पोटेंशियल एनर्जी केमती वेरी करछि ए डिवाइडेड बाय आर टू द पावर एन प्लस बी डिवाइडेड बाय आर टू द पावर एम। तो एटा होछि मटेरियल टू मटेरियल वेरी करिवो। मोस्ट ऑफ द सॉलिड केस रे एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट एन इक्वल टू 12 एंड एम इक्वल टू 6। तो ताकु जदि मु पोटेंशियल एनर्जी रो पूरा फार्मूलाटा फॉर मैक्सिमम सॉलिड लिखिबी ताहले कोन होबो ना ए डिवाइडेड बाय आर टू द पावर 12 माइनस बी डिवाइडेड बाय आर टू द पावर 6 फॉर मैक्सिमम केस ऑफ सॉलिड। ठीक, सॉलिड रे भी डिफरेंट सॉलिड ए पोटेंशियल रिलेशन को फॉलो करू नांती तो मैक्सिमम सॉलिड रे एटा ए रिलेशन फॉलो करंती। ठीक अछि, तो वर्तमान कोन सिमिलैरिटी आउ ऑपोजिट एग्नेस्ट से माने दिजन करचंती मॉलिक्यूलर आउ एटॉमिक फोर्स देखि दवा। सिमिलैरिटी कोन अछि ना बोथ फोर्स और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो को ओरिजिन हिचि। नेक्स्ट होची एक्टिव ओवर शॉर्ट डिस्टेंस जते बेले इंटरमोलिकुलर रे हमें देखले जे 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर रु कम हेले इंटरमोलिकुलर फोर्स होची और 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर रु कम हेले इंटर एटॉमिक फोर्स एक्टिव होची। तो सेटा बोथ आर शॉर्ट डिस्टेंस होची आउ फोर्स आउ जदि मु डिस्टेंस भीतर गुटे ग्राफ ड्रा करूची ताले सेमान को पैटर्न भी सेम आसची अट्रैक्टिव होचंती गुटे पर्टिकुलर डिस्टेंस एक्स पर्यंत सेठी होची मैक्सिमम अट्रैक्टिव फोर्स रहूची। आमे जो पॉइंट को कहतले कोन क्रिटिकल पॉइंट देन होची सेठू रिपल्सिव फोर्स स्टार्ट हे जाउतला धीरे धीरे फोर्स कमी 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 आर नॉट रे कोन होतला जीरो हे जाउतला। तो एगुडा को सब सिमिलैरिटी थिला। वर्तमान देखबा डिसिमिलैरिटी कोन अछि तांगो भितरे। तो डिसिमिलैरिटी भितरे आमे देखले जे आर तो शॉर्ट रेंज रे अट्रैक्टिव होउची माने शॉर्ट रेंज रे आर गोटे पर्टिकुलर वैल्यू आसला ताले एटॉमिक फोर्स आ मॉलिक्यूलर फोर्स एक्टिव होउची। बट कोन होउची ना एटम रे वेरी करउची का हिसाब रे ना आर हिसाब रे एमती स्मूथली सी होउची वेरी करउची किंतु मॉलिक्यूलर केस रे मॉलिक्यूलर इंटर एटम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स रे कोन होउची ना फास्ट सी होउची जते बेले डिस्टेंस सर्टेन डिस्टेंस 10 टू द पावर माइनस सॉरी हां 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर रु डिक्रीज करूची सेते बेले कोन होची ना तमरो r टू द पावर माइनस 7 मीटर हिसाब रे से होची इंक्रीज करूची फोर्स टा अट्रैक्टिव फोर्स टा इंक्रीज करूची। जेते बेले क्रिटिकल पॉइंट पहुंची जाउची एक्स क्रिटिकल पॉइंट पहुंची जाउची सेते बेले तार ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर टा अट्रैक्टिव फोर्स रो डिक्रीजिंग ऑर्डर चेंज हो जाउची केमती ना r टू द पावर माइनस 9 मीटर हिसाब रे से डिक्रीज करिवो। ठीक, प्रोपोर्शनल होची का सहित फोर्स रो 1 बाय r टू द पावर 9 ए ऑर्डर रे से होची कोन करूची ना डिक्रीज करूची। ए पॉइंट टा देखो ए पैटर्न टा जेमती हो ए पैटर्न टा तो सेमती बनिवन ना तो एडा फ्लैट हबो ऑल ऑफ सडन डिक्रीज करूची किंतु एटा स्मूथ हबो कोठी इन केस ऑफ एटॉमिक इंटर एटॉमिक फोर्स रे ए जिंसडा बुझिवार अछि। तापर नेक्स्ट डिसिमिलैरिटी कोन ना होजी तमरो एटॉमिक फोर्स टा ऑलमोस्ट 50 टू 100 टाइम्स मॉलिक्यूलर फोर्स ता माने एटॉमिक फोर्स रे तमरो बडो रहूची। एग्जाम रे पचार दे पारे जे होजी कुह एटॉमिक फोर्स बडो ना मॉलिक्यूलर फोर्स अधिका तो डेफिनेटली एटॉमिक फोर्स टा अधिका। थर्ड पॉइंट होची ना होची
आटॉमिक फोर्स रो जो आमरो क्रिटिकल पॉइंट रही छि से स्मॉलर देन मॉलिक्यूलर क्रिटिकल पॉइंट ठीक मॉलिक्यूलर पाई जो क्रिटिकल पॉइंट रही छि ताटू स्मॉल सेति पाई कोन हो छि ना एटम केवल हो छि गोटे कि दीटा ता अनुसार से हो छि अट्रैक्ट करि परिबो दीटा एटम को किंतु मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल हो छि से दीटा रु गोटे रु अधिका मॉलिक्यूल को से अट्रैक्ट करि परिबो गोटे दीटा रु माने डिफरेंट टाइप रो मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करि परिबो किंतु एटम ओनली वन सेति पाई हो छि आमे ओ टू एस टू केवल हो छि गोटे ही दीटा ही एटम को से अट्रैक्ट करि परिबो कि एस थ्री तो सेगुडा सब केवल होची हमर तीनटा आटम को अट्रैक्ट कर परियो ताटू अधिक आटम को अट्रैक्ट कर परियो किंतु मॉलिक्यूल होची निजर आटम को अट्रैक्ट कर निज मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करबा सहित तो अन्यर मॉलिक्यूल को भी अट्रैक्ट कर परियो ठीक अछि। तो ए अनुसार बॉन्ड फॉर्मेशन भी होची तार मेकानिज्म भी तुम्हें ए प्रिंसिपल अनुसार बुझी पारो। तेणु कंक्लूजन कौन रहूची ना एटॉमिक फोर्स लार्जर देन दि मॉलिक्यूलर फोर्स। सेकेंड होची जो आमर इक्विलिब्रियम डिस्टेंस अच्छी आर नॉट सेटा होची एटम रो स्मॉल आउ मॉलिक्यूल रो ग्रेटर ठीक। तापर नेक्स्ट टॉपिक को जीवा।